निपटाना है क्या आप? अगर अंडरग्राउंड कर सके तो अंडर कितने दिन अंदर है भाई? तुम यही मानो अंडरग्राउंड बात करने लगे यार। उदाहरण कितने दिन अंदर है भाई? अरे भाई आपने रिपोर्ट लिखाई 307 का FIR हुई, आपने पलटा पलटी हुई, हम बरी करा दिया हमको। कितने पैसे दो कह रहे कार्रवाई हो गई बात का तो सब 2 मिनट पलटा पलटी नहीं करता शायद आज आपके सामने पेश ना हो। हां कितना गुंडा वर्ग है, फिर मैं अभी भी क्या करो भैया? चंबल में रहने या घुटने को तो खामा है, भुगतना पड़ेगा ना, क्या करोगे आप? मजबूरी थी। हाँ तो मान ले मजबूरी थी, इसमें निपटाना है। अरे इसमें निपटाना है क्या? लॉर्डशिप ने निकाल दिए, ये आज खड़े हैं लॉर्डशिप यहाँ पे, और वारंट अभी तक पहुंचे नहीं है। ये लॉर्डशिप आज प्रेजेंट है कोर्ट। अल्टा पल्टी क्यों करते हो? पहले रिपोर्ट लिखाते अल्टा पल्टी करते हो, निपटाना है क्या आप? अगर अंडरग्राउंड कर सके तो अंडर कितने दिन अंदर है भाई? तुम यही मानो अंडरग्राउंड बात करने लगे यार। उदाहरण कितने दिन अंदर है भाई? अरे भाई आपने रिपोर्ट लिखाई 307 का FIR हुई, आपने पलटा पलटी हो गई, हम बरी करा दिया हमको। कितने पैसे दो कह रहे कार्रवाई हो गई बात का तो सब 2 मिनट पलटा पलटी नहीं करता शायद आज आपके सामने पेश ना हो। हां कितना गुंडा वर्ग है, फिर मैं अभी भी अपंग हूं। अब क्या करो भैया? चंबल में रहने या घुटने को तो खामा है, भुगतना पड़ेगा ना, क्या करोगे आप? मजबूरी थी। हां तो मान ले मजबूरी थी, इसमें निपटाना है। अरे इसमें निपटाना है क्या? कितनी दिन? अरे बताओ कानून देख लो, जुगाड़ देख लो 182 में कितना फाइन देखो भाई। एक दिन में अंदर नहीं रहना अभी तक तो। लॉर्डशिप ये अरे यार नहीं रे क्या मैंने क्या क्वेश्चन किया बीच में लॉर्डशिप? ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बीच में जब इनको गिरफ्तार करके वहाँ भेजा गया, जब कंप्लेंट फाइल हुई ना 2001 में, तब लॉर्डशिप इनको गिरफ्तार करके वहाँ भेजा गया। ये आया है 182 मैडम, 500 रुपये जुर्माना कर देना। 211 में क्या है? 211 और 193 में सजा है लॉर्डशिप। अरे रुक तो जाओ यार, 182 नहीं। आप लोग अंदाजी काम करते हो। नीचे कोर्ट ने कितना दिया है? 3-3 साल की सजा दी है लॉर्डशिप। 3-3 साल की सजा दी है, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना किया और जुर्माना जमा कर दिया 5-5 हज़ार। ठीक है, रिवीजन क्या है? अपील है लॉर्डशिप। 211 में 211 में 3 साल और 193 में 3। अरे यार देख रहे हैं सजा लॉर्डशिप। कस्टडी बता, कस्टडी पीरियड बताओ ना भाई। नहीं 211 में कितना करना है? लक्ष्मण मेरी प्रार्थना है 5-5 हज़ार तो दे चुके, 5-5 हज़ार तो फाइन ऑलरेडी जमा कर चुके। रुक जाओ ना यार, 5-5 हज़ार तीनों धारा में। 182 में सजा नहीं थी क्योंकि लेसर ऑफेंस होता है, इसलिए 211 और 193 में सजा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कन्विक्टेड 193 और 211 3 साल 5-5 हज़ार 5-5 हज़ार हो करो। Appellant along with his other advocate present advocate made submission that परमिट करें तो मुझे कुछ यार एक मिनट रास्ता निकाल रहे हैं यार, तुम निकाल रहे हो। मैं वही तो बता रहा हूँ लोड शिव आस्था की कंप्लेंट की भी एविडेंस नहीं हुई। तो 14/4/99 Appellant filed an FIR against Munna Lal and Arun. Thereafter, a crime 307/341/2006 was registered bearing crime number 1599. Trial was conducted. During trial, he has not supported the prosecution case, huh? Yes. That's why trial court ordered that complaint be filed 182, 211, 193. Thereafter, complaint was filed. Trial was conducted, in which he was convicted 193, 211, 3 साल. Incident is of 24 years back. कितनी उम्र है आपकी? अरे उम्र क्या है? मालूम है कि नहीं मालूम? 70 है, 70 कह रहे हैं। ये वो 70 years। वो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। अरे Appellant himself present made submission that कौन गाँव में रहते हो? अरे यार नोट मत निकालो यार। लेकिन लोग डर के मारे। अरे रुक तो जाओ भाई यार, बात कहाँ रहते हो? जिला उदयपुर। उदयपुर तहसील है? नहीं, अच्छा बासुरा तहसील रहता है। ये रिसाइड विलेज का नाम क्या है गांव का? उदयपुर देहरा। विलेज उदयपुर देहरा, तहसील गंज बासुरा, विदेश डिस्ट्रिक्ट विदिशा। अब यहाँ स्थायी तौर से मैं अशोकनगर ससुराल में रह रहा था। इनके डर के मारे एक्यूज मुन्ना लाल अरुण ड्यू टू Munna Lal Arun, he was forced to give a statement in their favor. At present, due to their fear, he has shifted from upper village to कहाँ रह रहे हो? उदयपुर देहरा, जिला विदिशा। देहरा वहाँ चेंज यहाँ आ गए। अभी कहाँ रह रहे हो? आप अशोकनगर। अशोकनगर, प्रॉपर अशोकनगर। किसके पास रह रहे हो? मेरे ससुराल में। ससुराल में क्यों? जो बाल बच्चे है नहीं है, दोनों मियाँ बीवी हैं, इन लोगों का खतरा कर मुझे मार सकते हैं साहब। इन लीव ऑफ सेंटेंस पनिशमेंट शुड बी